गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं सारे जितने भी पैट्स अभी तक मेरे पास हैं अवेलेबल और जो मैंने यूज़ किए हैं वो सब सारे के सारे मैं आपके सामने इनका फटाफट इनकी लाइव टेस्टिंग करके दिखाऊंगी कि कितना अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं कितना अच्छा नहीं करते हैं। तो फटाफट बता दूँ कौन सा यूज़ करूँ। ये एक एडवांस स्टेफ्री एडवांस अल्ट्रा कम्फर्ट, तो मैं इसके नीचे लगा दूँगी तो आपको पता चल जाएगा। ये है 9 ड्राई कम्फर्ट फॉर हैवी फ्लो, मैक्सिमम सारे हैवी फ्लो के हैं। ये भी है हैवी फ्लो के लिए, ये स्टेप आउट, और ये है जो कि मैं काफ़ी साल से यूज़ कर रही हूँ। मतलब मैं बता दूँ कम से कम 5-6 साल से ज़्यादा हो गया मुझे यूज़ करते, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसको भी हम टेस्ट करेंगे, फटाफट टेस्टिंग करते हैं क्योंकि बकवास करने से अच्छा है जल्दी जल्दी टेस्ट करते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक। जो ये वाला येलो कलर का है 9 का, यहाँ पे है स्टेप आउट का सामने है और स्टे फ्री का ये रहा। इसको भी मुझे टेस्ट करके देखना। तो ये भी यहीं पर है और ये बहुत सारे लोगों का फेवरेट है, सो इसको भी हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे जिसका ये रहा। और एक एक्स्ट्रा इसमें ही था तो ये आई थिंक हम 6 पैड एक साथ टेस्ट करेंगे। सो ये रहा, फटाफट मैं इनको ओपन कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये रहा, आप देख सकते हैं। सो ये रहे सारे पैड्स को मैंने ओपन कर लिया है। तो ये जो है फर्स्ट वन, दिस इज आई थिंक ये एक्स्ट्रा लार्ज का साइज है। अनवी डोंट टच। तो ये है एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज का साइज़ आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा लार्ज का साइज़ भी कुछ इसी के जैसा है। एक्स्ट्रा लार्ज का साइज़ भी इसके बराबर ही है ऑलमोस्ट। और ये है 9 का एक्स्ट्रा डबल एक्सल। सो ये रहा, इसकी साइज़ भी सेम है, इन दोनों का साइज़ सेम है। और स्टेप आउट है उसका साइज़ भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है इसका भी। और ये है विस्पर का एक्स्ट्रा लार्ज प्लस है, तो इसका साइज़ भी सेम अच्छा खासा लंबा है। यह है स्टेफ्री सिक्योर और इसका साइज़ आई थिंक साइज़ मुझे नहीं पता, सच कुछ लिखा नहीं है। और ये भी, हाँ ये रहा इसका साइज़ है 320, तो ये भी एक्स्ट्रा लार्ज प्लस है। तो इन सब की साइज़ आप देख सकते हैं कि सबकी साइज़ बहुत अच्छी है। तो एक एक्स्ट्रा पैड लग रहा था जो कि मैं कहीं नहीं कर पाती, तो ये रहा एक्स्ट्रा लार्ज ये। और इसकी बात करें ग्रीन और ब्लू की, तो इसके एक्स्ट्रा लार्ज होने के बाद भी इसका साइज़ बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो फटाफट हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए मैंने लिया है ये खून जो कि नहीं है, ये है बीटरूट का पानी जो मैक्सिमम वही यूज़ करती हूँ मैं, जो थोड़ा सिमिलर होता है ब्लड के, सिर्फ कलर में सिमिलर होता है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी क्वांटिटी की बात करूँ और क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें कुछ एकदम प्लेन बना हुआ है, इसमें कुछ चैनल तरीके की चीज़ें बनी हुई हैं 9 में, और ये नॉर्मल है। और स्टेप आउट में ये कुछ इस तरीके का अलग सा बना हुआ है, इस विस्पर में बना हुआ है, ये देख सकते हैं कुछ अलग अलग से चैनल्स है। ये मैं बहुत साल से यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ज़रूर मैं देखूँगी कैसा है। और ये स्टेफ्री सिक्योर 9 का है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी मोटा है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है नेचुरली भी। और ये है ये, सो फटाफट टेस्टिंग की जाए। सो फटाफट हम टेस्ट करते हैं। जो फर्स्ट टेस्ट करेंगे वो करेंगे हम स्टेफ्री का। मैं ऐसे रख देती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से 9 एक्चुअली ना ये जगह थोड़ी सी कम पड़ी तो मैं बताती जाऊँगी तो कौन सा करें। तो फर्स्ट है स्टेफ्री का, ये सब पे हम डालेंगे 5-5 या तो 10-10 का एक 10 स्पून डालेंगे तो देखेंगे कैसे आता है कैसा यूज़ हो पाता है। तो ये रहा फर्स्ट स्पून जा रहा है स्टेफ्री के ऊपर, मेरा बेडशीट भी गंदा हो जाएगा। ये है फर्स्ट, तो फर्स्ट आप देख सकते हैं जाते ही बिल्कुल गायब सा हो गया, काफ़ी नहीं हुआ लेकिन अभी भी गीला सा थोड़ा सा लग रहा है। जो हम दूसरा डाल रहे हैं स्पून वो डाल रहे हैं हम ये रहा 9 में, सॉरी दिख ही नहीं रहा था, ये रहा 9 इस वाले में हमें डाले तो आप देख सकते हैं इसमें ऑलमोस्ट गायब हो गया, दिख नहीं रहा। और जो थर्ड स्पून है एक्चुअली दिखाना भी इसलिए पड़ा है, काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि मैंने जानबूझ के स्पून में गड़बड़ी करी है इसको उसको। अरे भैया ये मेरे घर का थोड़ी ना माल है जो मैं इसको अच्छा दिखाना चाहूँगी, मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। सो ये रहा स्पून चला गया है इसलिए दिखाना पड़ रहा है। ये है माय फेवरेट विस्पर, देखिए बहुत सारे लोगों का फेवरेट नहीं भी हुआ लेकिन मेरा फेवरेट है क्योंकि मेरे को काफ़ी हद तक इसने
आफ्टर डिलीवरी भी मैंने इसे यूज़ किया, ऐसा नहीं कि पहले यूज़ किया था। पहले तो मैं इसका ग्रीन वर्जन यूज़ करती थी, क्योंकि उसके बाद मेरे को रैशेस से थोड़े से लगने लग गए तो मैंने उसको बंद किया। और जो उनका नया विस्पर का आया था एयर फ्रेश, तो मैंने उसको यूज़ किया। इससे पहले डिलीवरी से पहले मैं काफ़ी मतलब पतली थी काफ़ी ज़्यादा, सो उस टाइम मैं एक्स्ट्रा लार्ज यूज़ करती थी, अब मैं एक्स्ट्रा लार्ज प्लस यूज़ करती। तो ये रहा, ये भी हो गया है। अभी डाल रहे हैं इसमें, देख सकते हैं डाला कहाँ और गया कहाँ वो। ठीक है, अब है ये। देख सकते हैं, तो फर्स्ट फर्स्ट के बाद आप देख सकते हैं क्या हाल है। ये ऑलमोस्ट दिख नहीं सकता आपको, बहुत हल्का दिख रहा है। ये तब भी आपको हल्का दिख सक रहा है, इसमें भी बहुत ही लाइट दिख रहा है। ये भी इसने अब्जॉर्ब कर लिया, ये अभी तक तो देख सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों को पसंद है, ये स्टेफ्री नाइट्स। पता नहीं क्यों लोग आके मुझे फालतू बोल रहे थे इस पर वीडियो पर कि आपको तो आता नहीं, ये नहीं उन्हें। अरे भाई, मुझे आता क्या नहीं है, पहली बात तो मैं इसे यूज़ करा था तो मुझे इतना पसंद नहीं आया था। ये सबकी पर्सनल चॉइस होगी, ठीक है। और मैं पहले भी बता रही हूँ, जो आप टेस्ट कर रही हूँ मैं, ये वाटर टेस्ट चल रहा है, ठीक है। वाटर टेस्ट और रियल ब्लड में बहुत डिफरेंस होता है यार। आपको लड़ना नहीं चाहिए मुझसे, बल्कि आपको ये देखना चाहिए कि मैं आपको एटलीस्ट खरीदने से पहले आपको बता तो रही हूँ कि कैसा क्वालिटी आ रही है, कैसी क्वालिटी नहीं आ रही है। आप तो लड़ने लग जाते हो यार आके। सो ये रहा सेकेंड स्पून। क्योंकि देखिए, ब्लड जब होता है और पीरियड्स होते हैं तो सबको पता है कि पीरियड्स कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं होते। तो ये रहा, ये सेकंड स्पून जा रहा है, सेकंड स्पून। अब हम फटाफट इसको क्लोज करें क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं है। थर्ड और मैं ऐसे दिखा देती हूँ भाई, लोग कहने लग जाएंगे कि तुमने पता नहीं फेवर कर दिया, लोग भर भर के लगाएंगे। तो थर्ड स्पून के बाद आप देख सकते हैं, देखने में काफ़ी एब्जॉर्ब इसने कर लिया है हल्का। इसने भी दिख रहा है, इसमें बहुत लाइट दिख रहा है, लेकिन दिख तो सब में रहा है, सभी ने। ये सबसे बेकार क्वालिटी की हो रही है, इसका भी हाल पता नहीं। और ये तो हमारी, इसको भी मैंने यूज़ किया है पीरियड्स के टाइम में, बहुत ही अनकंफर्टेबल थी, ऐसा लग रहा था प्लास्टिक यूज़ कर रही हूँ मैं, मतलब तो प्लास्टिक लगा रखा है, बहुत ही गंदा। फोर्थ, पता नहीं लोग यार वीडियो बनाने के टाइम में आप लड़ने क्यों लग जाते हो आके। आपको ये देखना चाहिए था, लोग आके लड़ रहे थे कि बी नेचुरल वाली ने ये कहा, अरे भैया वो एक नंबर की फेक है, ठीक है। उसको हर चीज़ के पैसे मिलते हैं, आप लोगों को एज अ व्यूवर सोचना चाहिए कि वो कोई आपकी सगी नहीं है, शी इज़ टोटली फेक। वो अपने चैनल पर कुछ भी रियल चीज़ नहीं दिखाती है भाई। ये फोर फोर के स्पून हो चुके हैं, और अगर आपको वो ज़्यादा पसंद है तो आप उनका वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर मत आइए फालतू की बकवास करने प्लीज़। तो ये है फोर फोर स्पून, मैक्सिमम है फाइव स्पून के बाद टिश्यू टेस्ट करेंगे हम। तो ये रहा लास्ट स्पून, फिफ्थ। और मैं रैंडमली पानी डाल रही हूँ, लेकिन तब भी मैं फुल स्पून ऐसे भर भर के डाली हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि किसी में ज़्यादा जाएगा किसी में कम जाएगा, जिसमें जितना जा रहा है उसका तो मैं नहीं कर सकती ना। एज अ व्यूअर आपको सपोर्ट करना चाहिए कि एटलीस्ट मैं आपको बता रही हूँ खरीदने से पहले। तो ये रहा, हो गया फाइव स्पून टेस्ट हो चुका है, इससे ज़्यादा मैं अभी नहीं डालूंगी। पहले टिश्यू टेस्ट करते हैं फटाफट, कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। सो स्टे ट्यून, हम फटाफट टिश्यू टेस्ट करेंगे। टिश्यू ये रहा, सिंगल टिश्यू लिया है मैंने, और इसको टेस्ट करके देखेंगे कितना गीला है कितना नहीं है। काफ़ी हद तक सूखा हुआ है, और ये बहुत ही हल्का गीला हुआ है, मैं कैसे दिखाऊँ आपको। और ये भी काफ़ी हद तक मुझे गीला लग रहा है हल्का, ये इतना गीला नहीं लग रहा, लेकिन ये लग रहा है काफ़ी हद तक। चलिए दूसरा टिश्यू, ये रहा, ये भी सूख गया है काफ़ी हद तक। ये है स्टेप आउट, मैं 9 के लिए भी कह भी रही थी, लेकिन पहले मैं हाथ से देख लेती तो ये देख सकते हैं। ओह माय गॉड, जिसको मैं काफ़ी अच्छे से यूज़ करती थी उसकी तो क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये रही,
इस वाले के, तो ये तो आउट है ठीक है। और ये रहा, वो तो दिखने से ही लग रहा है भाई ये आउट है, ये रहा। काफी हद तक कम आया है, लेकिन इसमें भी क्योंकि अब एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होगा तो ये आया तो कम है, देख सकते हैं बहुत ही लाइट ये रहा यहाँ पे आया है। और अब देखते हैं इसको, सूखा तो हुआ है ये, तो इसमें से जो सबसे पहले आउट हो रहा है वो हो रहा है ये, हल्का गीला लग रहा है ये देख सकते हैं गीला। अब मैं इसको हाथ से करके दिखाती हूँ आपको, ये देख सकते हैं इतना गीला नहीं हुआ है, ये भी काफ़ी हद तक सूखा है, ये भी सूखा है, मतलब हल्का गीला आप देख सकते हैं बहुत हल्का गीला। ये इसको मैं तब भी आउट करूँगी, इसको मैं फ़ायदा नहीं है इस पर पानी ज़्यादा फेंकने से। और ये भी और जा सकता है आगे तक मुझे लगता है, तो हम इसको फिर से और ये रहा लास्ट, तो इसमें जो सबसे पहले जा रहा है वापस वही से देख सकते हैं ये वाला। लेकिन तब हम फिर से इसमें पांच पांच का टेस्ट करेंगे, लगभग 5 का टेस्ट हुआ, इसे थोड़ा और टेस्ट ही करूँगी बिकॉज फिर वीडियो भी लेंदी हो जाएगी जो कि मुझे चाहिए नहीं। फटाफट देखते हैं आगे का। तो ये रहा टेस्ट, क्योंकि देखिए जब तक मैं दूसरे में डालू तब तक तो ये भी तो हो रहा है ना कि ये एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, तो एकदम से तो आप पैड को ये नहीं कह सकते बेकार है या थोड़ा सा हल्का गया ये रहा। और फटाफट डालते हैं ये रहा 6, अब तो मुझे लगा सारे के सारे पैड्स ये रहा 6 6 के बाद ये हाल है। और अब हम इस पे डाल रहे हैं 7 7 क्योंकि 7 तो बहुत ज़्यादा होता है, मुझे लगता है इतने देर तक तो कोई पैड इतने गीले होने के बाद तो मुझे तो भैया बड़ी अनकंफर्टेबल हो जाऊंगी मैं। मेरा 7, तो 7 के बाद जो आपको मुझे जो सबसे ज़्यादा ख़राब दिखने में ही लग रहा है वो लग रहा है ये पैड, जिसको मैं काफ़ी साल से यूज़ करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी उसकी क्वालिटी अब अच्छी लग रही है, वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहा देख सकते हैं। तब भी मैं कहूँगी कि इसने काफ़ी अच्छा एब्जॉर्ब किया है और आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड, इसकी क्वालिटी काफ़ी हद तक अच्छी रही, इसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक। देखने की बात करें, देखने से आपको क्या बता पाएंगे कि आप कौन सा कैसा है कैसा नहीं, ये रहा ठीक है। तो ये रहा, तो हम फटाफट इसका टेस्ट करके दिखाती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा गीला करने का कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर मैं इसको 10 10 पे कर दूँ ठीक है। 3 और डालते हैं लास्ट टेस्ट, ये लास्ट स्पून है, इसके बाद मैं कोई टेस्ट नहीं करूँगी, इसका हो गया। दिस इज़ माई फाइनल वीडियो, अब कोई वीडियो इस पर नहीं आएगी। और अगर आपको जैसे कि वीडियो चाहिए तो आप स्पेशली मुझे ब्रांड का या फिर नाम बताइए तो मैं उसका स्पेशली ख़रीदूँगी, अदरवाइज़ मैं ऐसे पैड को वेस्ट नहीं करना चाहती बिकॉज बहुत ज़्यादा पैड आप देख सकते हैं वेस्ट हो रहे हैं बिकॉज ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुए हैं, किसी को हेल्प हो जाती अगर मैं इसके जगह उनको दे देती तो। सो ये रहा कुछ इस तरीके का इनकी हालत हुई है। सो अब आई थिंक 8 और 8 स्पून के बाद ये हालत है कुछ ऐसी। सो हम थोड़ा सा इनको रेस्ट देते हैं, रेस्ट देने की तो बात नहीं बिकॉज जब आपको पीरियड्स होते हैं तब आपको फटाफट चेंज भी करना होता है, तो मैं फटाफट अब आपको दिखा देती हूँ कि कैसी क्वालिटी है कैसी नहीं है। गीली तो होगी भाई क्योंकि ये रहा ऐसे आपको नहीं दिख पाएगा लगता है। मैं बता दूं, मैं जब फील कर रही हूँ ना तो फील करते टाइम ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये स्टे फ्री तो डेफिनेटली इसको ले सकते हैं, काफ़ी हैवी फ्लो तो इसने झेल लिया, मुझे बहुत अच्छा इसका क्वालिटी लगा स्टे फ्री का। ये है नेक्स्ट 9, ये देख सकते हैं तो ये तो आउट है, इसको हम पहले हटा देते हैं। दूसरा है स्टेप आउट, स्टेप आउट ने भी हल्का मुझे फील हो रहा है, इसमें थोड़ा सा गीला है लेकिन हाथ पे अभी आपको दिख नहीं रहा, लेकिन मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ तो मुझे फील हो रहा है, तो ये तब भी रुक जाएगा। ये डेफिनेटली जिसको मैं काफ़ी पसंद करती थी उसकी हालत ये है, तो मैं डेफिनेटली चेंज करूँगी अपना पैड। और ये देख सकते हैं ये भी ये रहा, और ये रहा लास्ट,
इसने भी काफी अच्छा एब्जॉर्ब किया है, ये देख सकते हैं। लेकिन आई मस्ट से कि आपका ना इसका साइज है उसको आपको बहुत ज्यादा, मतलब ट्रिपल एक्सेल लेना पड़ेगा, डबल एक्सेल से तो काम नहीं चलेगा क्योंकि बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू। मैं आपको कंपेरिजन दिखा देती हूँ कि मैं इसको पहले हटा देती फिर दिखाती हूँ। तो ये रहा, मैंने इस पे रख दिया ये वाला पैड, तो ये इतना छोटा है तो आप डबल एक्सल इसका लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा यही है, इसमें से जो सबसे एज अ टेस्ट वॉट टेस्ट के हिसाब से दिस इज नंबर वन। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा ड्राई है। ये है स्टे फ्री एडवांस अल्ट्रा कम्फर्ट एक्स्ट्रा लार्ज, बल्कि एक्स्ट्रा लार्ज था, इसकी साइज भी बहुत अच्छा है, तो एक्स्ट्रा प्लस आप पे बहुत अच्छा रहेगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 9 को मैं बिल्कुल रिजेक्ट कर रही हूँ हैवी फ्लो के लिए। और ये है दूसरा, स्टेफ्री सिक्योर का ही है ये, तो अब इसका डबल एक्सल लेंगे तो ये भी बहुत अच्छा काम करे। स्टेफ्री ने काफ़ी बढ़िया काम किया है, लेकिन साइज़ वाइज छोटा है इसका थोड़ा। और स्टेप आउट है, तो स्टेप आउट भी काफ़ी हद तक सूखा हुआ है, तो आप इसको भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो माई टॉप फेवरेट अब जो होंगे वो होंगे स्टेफ्री एडवांस, स्टेप आउट एंड स्टेफ्री सिक्योर। लेकिन स्टेफ्री सिक्योर को जब मैंने नॉर्मली यूज़ किया था, आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, ये थोड़ा ना प्लास्टिक जैसा जो आपके स्किन पे रैशेस दे सकता है, तो आप रैशेस के हिसाब से ये मुझे नहीं लगता थोड़ा सा अच्छा होगा। एज कम्पेयर टू दिस, दिस इज़ वेरी सॉफ्ट मटेरियल, ये बहुत अच्छा है। सो रियली होप कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो, समझ आया हो कि हैवी फ्लो के लिए कौन सा अच्छा होगा कौन सा नहीं होगा। ये गया है, ये भी गया, ये बचा हुआ है, तो ये तीन बचे हैं। सो अब इन तीनों में से कोई भी परचेज कर सकते हैं, बाय लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, या तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, क्योंकि 9 वाला शायद ऑनलाइन ना मिले, स्टेप आउट ऑनलाइन ना मिले। जितने मुझे मिलेंगे मैं डेफिनेटली उनको आपके लिए कर दूंगी, लेकिन मैं आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड विद दिस, तो मुझे अगर यूज़ करना पड़े तो मैं डेफिनेटली इसको यूज़ करूँगी। ये तो मेरे लिए नहीं है, बिकॉज इसकी फैब्रिक थोड़ा सा रैशेस होने के चांसेस हो सकते हैं, सो मैं उसको डेफिनेटली उसको तो स्विच करने वाली हूँ इससे। थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय।